9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 में एहतजाज की इजाजत दे दी है। जिला इंतजामिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की गई। पीटीआई को इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की यकीन दहानी पर यह इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला अभी सामने आया। पीटीआई को G9 और H9 के दरमियान एहतजाज की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया। बड़ी खबर सामने आई है, पीटीआई को G9 और H9 के दरमियान एहतजाज की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म सामने आया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए हैं? अली शेर बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए हैं जलसागाह फराहम करने के हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जलसागाह की जगह के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, तो उसमें जो चीज फाइनल हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये तय किया गया है कि जहां पे मौलाना फजलुर रहमान, मुसद्दिक नून वगैरह के 2 मरतबा जलसे हुए थे, यानी H9 इतवार बाजार के साथ, जिसको पिशावर मोड़ भी कहा जाता है, श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जलसा करने की इजाजत दे दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई सड़क जो है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला था, जब मौलाना फजलुर रहमान का 2 मरतबा मार्च आया था, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी ये तय किया था कि सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। तो ताहल जो है वो इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है। ठीक है अली, ये बताएगा जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को H9 और G9 के दरमियान जिस ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म जारी किया गया है, अब देखना यह है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई रेजिस्टेंस शो तो नहीं करती, और दूसरी बात यह है कि जो 20 लाख लोग लाने का इंदिया दिया था इमरान खान ने, क्या इस जगह पर पूरे आ जाएंगे? जी इस जगह पे इतने लोग तो किसी सूरत भी पूरे नहीं आ सकते, क्योंकि 20 लाख लोग आ ही नहीं रहे तो वो पूरे कहाँ से आएंगे। बाकी जहां तक बात है कि यहाँ तादाद कितनी बन जाएगी वो एक अगली बात है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो इस एरिया को इस जगह से हमने सारी जगह देखी हुई है, वो पिशावर मोड़ के जो पुल हैं उनसे लेके पिछले इशारे तक के जो लोग हैं वहाँ का एक अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके बारे में हमारे जो रिपोर्टर हैं जो इस जलसे के हवाले से खुसूसी तौर पर कवरेज कर रहे हैं, शिराज अहमद शिराजी, उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशन के साथ ये बात कही थी कि इस जगह के ऊपर 61,000 लोग जो है वो तकरीबन आ सकते हैं, तो उस लिहाज से वो जो लाखों की बात है या 20 लाख की बात है वो तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा अली, कितना वक्त इंतजामिया को लग सकता है अगर पीटीआई भी इस पर मुत्तफिक हो जाती है कि H9 और G9 के बीच जो ग्राउंड है वहां पर जलसा किया जाएगा? अभी कुछ टाइम के लिए देखना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वजह सुप्रीम इसके पास पीटीआई के पास और कुछ चारा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो H9 और G9 के दरमियान वाली जगह थी, इसका खुद पाकिस्तान पर अवान में जो ऑप्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि आज जो 3री मरतबा ये समाप्त हुई, तो जो मिड में समाप्त हुई थी उसमें डॉक्टर बाबर अवान ने खुद से जो ऑप्शन दिए थे उनमें से एक ऑप्शन ये मौजूद था, तो इसकी वजह से वो खुद अच्छा ये खुद पीटीआई की जानिब से ऑप्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी, इसके साथ साथ परेड ग्राउंड जो है इसमें उसकी जगह का ऑप्शन भी दिया गया था, H9 जो पार्क है, F9 पार्क जिसको फातिमा जना पार्क कहते हैं, उसका ऑप्शन भी था। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अख्तर मनल्ला जो है ये 3 जगह तय भी कर चुके हुए हैं माजी के एक केस में, तो उसकी वजह से भी ये बात ही, लेकर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ देर पहले जब मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो उनको तबलीगी जमात का जो जहाँ पे इजमा होता है वो वहाँ पे H11 के करीब है, I11 के करीब, तो वहाँ पे हम उनको जगह देने का फैसला किया है। लेकिन ये तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है उसके मुताबिक जो है वो जगह वही है जो जहाँ पे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में मौलाना फजलुर रहमान 2 जलसे कर चुके हैं और PTM जो है वो 1 जलसा कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून वहाँ पे उसमें ज्वाइन कर चुकी है, तो ये वो जगह दी गई है। इसके साथ इतवार बाजार भी है, और इससे पहले भी जब भी वहाँ जलसे होते हैं और इस तरह धरने होते हैं तो वहाँ पे इतवार बाजार के जो गरीब लोग वहाँ से अशिया खुरानोश खरीदने जाते हैं जहाँ कुछ सस्ती होती है उनको डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि इतवार बाजार को बंद कर दिया जाता है, तो डर लगता है कि एक बार फिर जो है वो गरीबों पर इसका असर जरूर पड़ेगा।
ठीक है अली, इस शर्त और इस यकीन दहानी पर यह इजाजत दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन कुछ ही देर कबल हमें कुछ इतलात ऐसी मौसूल हुई जिस तरह से एक पुलिस वैन को आग लगा दी गई, पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया। वफाकी वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी के साथ 4 से 5 हज़ार अफराद मौजूद हैं और इस काफिले में शामिल लोगों के पास असलाह भी है, तो इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से डील करेगी हुकूमत? जी यकीनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो जाहिर है ये हदायत दी गई हैं, लेकिन इन पे अली आपसे एक बार फिर से रابطہ कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को G9 और H9 के दरमियान एहतजाज की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 के जो दरमियान ग्राउंड मौजूद है वहां पर जलसा करने की इजाज़त दी है। इस्लामाबाद मैदान जंग बन चुका है, श्रीनगर हाईवे और फैज़ाबाद के मकाम पर पुलिस और कारकुनों में झड़पों का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शदीद शेलिंग की गई, पुलिस ने फैज़ाबाद से चंद कदम के फासले पर कायम मोर्चा छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ की रैली फैजाबाद से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुकी है। श्रीनगर हाईवे पर मौजूद कारकुनान जीरो पॉइंट पहुंच गए हैं, वहां कंटेनर्स को उबूर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से शेख रशीद ने कहा था कि यह लॉन्ग मार्च खूनी होगा, अभी PTI के कारकुनान इस बात को साबित करें कि इमरान खान का यह लॉन्ग मार्च खूनी हो गया है, जहां पर एक पुलिस वैन को आग भी लगाएगी और पुलिस पर भी अटैक किए जा रहे हैं। इमरान खान एक बार फिर से 2014 की तरह कंटेनर पर सवार हैं, पेशावर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी गई है। इस वक्त काफिला रवा दवा है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर पेशावर से वली इंटरचेंज पहुंचे हैं और सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी देखने में आया है। इमरान खान के काफिले में शामिल लोगों के पास असलहा होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका यह कहना था इमरान नियाजी के साथ 4 से 5 हज़ार अफराद मौजूद हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोलना चाहते हैं। एक और अहम खबर सामने आई है, इस्लामाबाद मैदानी जंग बन चुका है, श्रीनगर